इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको याक दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर आई है लद्दाख से करीब 1500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश से। इस तस्वीर के क्या मायने हैं? इस तस्वीर की क्या कहानी है? इस तस्वीर की क्या खासियत है? ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। लद्दाख से करीब 1500 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से याक सीमा को पार कर भारतीय क्षेत्र में आ गए, जिसे जवानों ने पकड़ लिया। ये तस्वीर चीन की साजिश से पर्दा उठाने के लिए काफी है, क्योंकि माना जाता है कि जानवरों के जरिए भी दुश्मनों की जासूसी करवाई जाती है, और चीन की तरफ से ऐसे ही जानबूझकर याक को भारतीय सीमा में भेज दिया गया, जिसे भारतीय जवानों ने पकड़कर नाकाम कर दिया। लेकिन जब इस पूरे मामले की पड़ताल की गई तो जासूसी जैसा मामला बनता नहीं दिखा। 31 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में याक का एक झुंड सीमा को पार कर गया था, लेकिन बाद में जांच पड़ताल हुई और फिर इन्हें इनके मालिकों को दे दिया गया। वहीं इसे एक पैटर्न के आधार पर देखें तो दुनिया में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां जानवरों के जरिए जासूसी करवाई जाती रही है। पिछले साल अप्रैल में नॉर्वे के तट पर एक बेलुगा व्हेल को पकड़ा गया था। ये अत्यधिक बुद्धिमान और मैत्रीपूर्ण प्रजाति की व्हेल मानी जाती है। जब व्हेल की जांच की गई तो पता चला कि उसके सिर के चारों ओर एक हॉर्न्स लगे थे, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ सिग्नल्स और खुफिया जानकारी लेने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। अमेरिकी नौसेना ने दशकों से पानी के नीचे की खानों और यहां तक कि पनडुब्बियों को पता लगाने के लिए सेंसर के साथ प्रशिक्षित डॉल्फिन का इस्तेमाल किया है। डीक्लासिफाइड दस्तावेजों से पता चलता है कि सोवियत प्रतिष्ठानों से ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लेने के लिए भी CIA द्वारा घरेलू बिल्लियों का इस्तेमाल किया गया था। इसराइल ने अपने पड़ोसियों पर जासूसी करवाने के लिए जानवरों के इस्तेमाल करने का आरोप अपने विरोधियों से झेला है। ईरान ने यूरेनियम सुविधाओं का पता लगाने के लिए देश में गिरगिटों के तस्करी और इस्तेमाल का आरोप पश्चिमी देशों पर भी लगाया था। सऊदी अरब भी इसराइल पर ग्रिफन वल्चर के जरिए कैमरों का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्र में जासूसी करने का आरोप लगा चुका है। वहीं भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी जानवरों के सहारे जासूसी करवाने की कोशिशें करता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।